नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज चैनल को। जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शौचालय निर्माण में हुई धांधली, हवा में उड़ गया बारजा। एक साल से बंद कर बंद पड़ा था महिला शौचालय, लगा था राजमंत्री का शिलापट, नहीं हुआ था उद्घाटन। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सरकार ओडीएफ करने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। वहीं खेतासराय नगर पंचायत में जनप्रतिनिधि और अधिकारी कमीशन खोरी कर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ये ताजा मामला है। खेतासराय के बारामोड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास लाखों रुपए लगाकर बना महिला शौचालय का, जिसका बारजा हवा में ताश की पत्तों की तरह उड़ गया। सुविधा के नाम पर पानी की तरह बहाया गया था पैसा, लेकिन कमीशन की भेंट चढ़ जाने से बारजा सहित आगे का हिस्सा ताश की पत्तों की तरह उड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि राजमंत्री का शिलापट भी लगा दिया गया, लेकिन एक साल से यह उद्घाटन की बाढ़ जो रहा था। सरकारी मानकों को दरकिनार कर इसका निर्माण कार्य कराया गया। जानकारी के मुताबिक जिस वार्ड में पिंक शौचालय का निर्माण हुआ, वो इलाका खेतासराय के जुगियाना मोहल्ले में लगता है। स्कूल और महिला राहगीरों को देखते हुए महानगर की तर्ज पर सारी सुविधाओं से लैस होकर बनाया गया था, लेकिन मानकों की धज्जियां की परत उस वक्त खुल गई जब बीती रात तेज हवा के साथ बारिश हुई। एक साल पूर्व बनकर तैयार हुआ ये शौचालय अचानक आगे का हिस्सा गिर जाने से कई सवाल खड़े कर दिए। क्या निर्माण में धांधली हुई? जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ है, इसमें ठेकेदार, अधिकारी और जनप्रतिनिधि की भूमिका संदेह उत्पन्न कर रही है। सूत्रों की माने तो नगरियों इसका निर्माण कराने के फिराक में है, जिससे इस मामले पर रहस्य बरकरार रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कैसे गिर गया है ये शौचालय? अभी हम थोड़ी देर पहले हम आए हैं मार्केट से, जैसे ही गाड़ी खड़ी की है, तीन ट्रक गई है और उसी के धमक से तुरंत गिर गया। देखते देखते हमने सोचा कोई ट्रक आके इसमें घुस गई, लेकिन ट्रक ना होकर देखे बाजा वाजा सब गिर गया। तो ये क्या शौचालय ये चालू था कि अभी बन के ऐसे ही? कितने सालों का उद्घाटन भी नहीं हुआ है जी? कितने दिनों से बनकर खड़ा था? लगभग 4 महीने हो ही गया कम। क्या नाम आपका है? मनीष कुमार। आप देख रहे हैं GGS News 24, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।